हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मार्च 2018 के करंट अफेयर्स। और यहाँ पर अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे मार्च 2018 के करंट अफेयर्स हैं, तो हर बार की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड्स के। और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उनको यहाँ पर मैं बताऊंगा। और बाकी जो है आप पीडीएफ फाइल में से पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं जिनको। तो स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स में। अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्क्रीन राइटर इन मलयालम सिनेमा है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं। और इनको मिला है जेसी डेनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनका नाम है श्री कुमारन थाम्पी। तो आपने याद रखना है, जेसी डेनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है श्री कुमारन थाम्पी जी को। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड करंट अफेयर की, तो ये है हमारे पास रॉबर्ट लैंगलैंड्स जो हैं, इनको दिया गया है एबल प्राइज। तो एबल प्राइज के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है कि एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, जैसे बाकी जो है आपको नोबेल प्राइज मिलता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स की फील्ड में आपको एबल प्राइज मिलता है। तो कैनेडियन मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं ये। और इनका जो मेन रोल था, ये था विजनरी प्रोग्राम कनेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन थ्योरी टू नंबर से थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में इन्होंने कनेक्ट किया है विजनरी प्रोग्राम को। उसके बाद अगर हम बात करें, बाल कृष्ण दोषी हैं, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिनको प्रिट्जकर प्राइज मिला है। प्रिट्जकर प्राइज जो है वो इससे पहले इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता था, और अब जो है इसे प्रिट्जकर प्राइज कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, बाल कृष्ण दोषी पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला। और उसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ब्रिटिश एशियन वॉयस वीकली न्यूज़पेपर, तो ये मिला है शत्रुघ्न सिन्हा को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद डिफेंस के करंट अफेयर की, बिकॉज डिफेंस के करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। तो डिफेंस के करंट अफेयर में सबसे पहले है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये हुई है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, जिसका नाम रखा गया है खंजर 5। ठीक है, खंजर 5 इसका नाम रखा गया है, और ये मणिपुर में हेल्ड हुई। उसके बाद सेकंड काफी इंपोर्टेंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है रसिया ने, जिसको लॉन्च किया गया है मिग 31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट से। और जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम है किंजल। और किंजल जो है, इसका अगर हम डिटेल में बात करें तो इसकी जो रेंज रहेगी है 1200 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है ये है 10 मैच। तो 10 मैच को अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 मैच जो होता है, 1 मैच नियर अबाउट 1225, 1225 किलोमीटर पर आर के आसपास होता है ये। तो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 10 मैच है, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड है, और 1200 किलोमीटर की जो है इसकी मारक क्षमता है। सेकंड अगर हम बात करें इसके बाद, तो मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है, जो कंडक्ट करवाई सदर्न एयर कमांड ऑफ एयरफोर्स ने, और इसमें जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज थी वो थी बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई एंड म्यांमार। तो इसका नाम रखा गया सामवेदना। 12 से लेकर 17 मार्च तक ये हेल्ड हुई। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनियल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो बाइनियल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इसराइल के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। तो इसका नाम है जूनिपर कोबरा 2018। तो काफी इंपोर्टेंट है ये, बिकॉज अभी लॉन्च हुई है, तो ये भी आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, तो ये पोर्ट ब्लेयर में हुई है, इसका नाम है मिलन 2018, और इसकी थीम क्या थी, थीम थी इसकी फ्रेंडशिप। तो ये भी आपने याद रखनी है। एंड लास्ट जो करंट अफेयर है डिफेंस के करंट अफेयर्स में, तो इसमें है 3 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज जो हुई वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी। तो इसका नाम रखा गया था एक्सरसाइज पश्चिम लेहर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम पर्सन्स की, यानी कि जो फेमस पर्सन रहे हैं, किसी ना किसी वजह से कोई अपॉइंटमेंट हुई है या फिर किसी की डेथ हुई है इस तरह से, तो जो फेमस है उसमें सबसे पहले सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, तो ये है इंदु भूषण। इनको अब सीईओ बना दिया गया है आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में। और अगर बात की जाए कि इससे पहले ये कहाँ अपॉइंट थे, तो इससे पहले थे ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ईस्ट एशिया डिपार्टमेंट एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो ये है के विजय राघवन।
इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आर चिदंबरम। तो आपने याद रखना है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये हैं जस्टिस जावद रहीम। इससे पहले ये फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जज थे, यानी कि पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो इनको चुना गया है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट जो है 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, तो इलेक्शन हुए थे अभी मार्च में, तो उनका जो रिजल्ट था इसके अकॉर्डिंग जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, तो ये हैं बिकलाब कुमार देव, और इनको जो शपथ ग्रहण करवाई है ये है गवर्नर तथागत रॉय ने। तो आपने याद रखना है स्टैटिक जीके में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिकलाब कुमार देव और गवर्नर हैं तथागत रॉय। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आपको पता है कि सुरेश प्रभु हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं नए, ये हैं निफ्यू रियो। तो ये भी आपने याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके बाद है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, तो मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा। तो ये आपने याद रखने हैं, जो भी आपके एग्जाम होंगे उनके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमस प्लेसेस की, तो प्लेसेस का क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट रहता है। कोई भी प्लेस अगर किसी वजह से फेमस रहा हो तो वो भी आपको याद रखना होता है। तो सबसे पहले राजस्थान का रूपनगर इन अजमेर है, रूपनगर इन अजमेर राजस्थान के अंदर आता है ये, जिसमें स्टेट का फर्स्ट मेगा फूड पार्क बना है और इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर ने। तो ये आपने याद रखना है, राजस्थान का सबसे पहला फूड पार्क बना है यहाँ पर। उसके बाद है फिफ्थ नदी महोत्सव, तो फिफ्थ नदी महोत्सव हुआ बेंद्रावन होशंगाबाद में। नेक्स्ट जो है प्लेस इन गुजरात, ये काफी इंपोर्टेंट है बिकॉज इसको आप डिफेंस के तौर पर भी रख सकते हो। तो प्लेस इन गुजरात है, प्लेस इन गुजरात एट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोस्टल पॉलिसिंग एकेडमी। तो ये जो है ये इसलिए इंपोर्टेंट है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एकेडमी बनाई है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग, जिसमें जो है जो पुलिस लोकल पुलिस होती है वो स्टेट्स की जहां पर कोस्ट लगती है, यानी कि जहां पे कोई भी सीमा लगती है समुद्री सीमा, तो उनकी पुलिस को वहां पे ट्रेन किया जाएगा। तो ये जो प्लेस है, प्लेस इन गुजरात है ये, इसका नाम है देवभूमि द्वारका। नेक्स्ट है आपके पास द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर द स्टेट्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट वॉज इनोग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यह है मिर्जापुर, और इनके साथ थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये दोनों वहां पर थे और इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मिर्जापुर में। एंड नेक्स्ट जो है यूनियन टेरिटरी जो है फर्स्ट इन कंट्री बनी है भारत में, जो डीयू है, जहां पर टोटली जो है कंप्लीटली सोलर पावर एनर्जी जो है वो रन होगी। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, यूनियन टेरिटरी जो है दीव, यहाँ पर टोटली जो है वो सोलर पावर एनर्जी अब रन होगी। नेक्स्ट आपने याद रखना है वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल, जो वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल है ये हुआ पुणे में, और इसकी थीम क्या थी? थीम थी ट्रैवलिंग वुमेन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल के बाद 4 डे बाइनियल इवेंट विंग्स इंडिया 2018, ये हैदराबाद में हुआ, ये भी आपने याद रखना है 4 डे का ये बाइनियल इवेंट हुआ है और ये ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है प्लेस इन महाराष्ट्र वेयर स्टेट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क, महाराष्ट्र में भी स्टेट का फर्स्ट मेगा फूड पार्क बना है, जहां का जिस प्लेस का नाम है विल डेगोन, डिस्ट्रिक्ट सतारा में है ये। और उसके बाद स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर आपके पास रहेंगे, सबसे पहले है इंडियाज फ्लैग बीयरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम में ओपनिंग सेरेमनी की पीवी संधू ने,
जिन्होंने फ्लैग बियर किया। और उसके बाद है दियोधर ट्रॉफी। दियोधर ट्रॉफी जो है 2018 ये जीती इंडिया बी ने, और इन्होंने हराया कर्नाटका को। ये धर्मशाला में मैच हुआ था। इसके बाद है 2018 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती और इंग्लैंड को उन्होंने हराया, फिर जो है ये ट्रॉफी जीती इन्होंने। इसके बाद है यंगेस्ट कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रशीद खान जो है अफगानिस्तान के, ये सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, ये यंगेस्ट कैप्टन बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इनकी एज जो है वो 19 ईयर्स है, 19 ईयर्स एंड लगभग 165 डेज और है, यानी कि 20 ईयर्स के अभी ये पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद मिसलेनियस की अगर हम बात करें, जो अदर आपके कोई भी करंट अफेयर हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो सबसे पहले है ब्रीड ऑफ चिकन नेटिव टू मध्य प्रदेश विच हैज बिन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए चिकन की जो ब्रीड है जिसका नाम है कड़कनाथ, कड़कनाथ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का साइन दे दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसे दिया जाता है, जो किसी प्लेस पर किसी लोकेशन पर स्पेसिफिक हो कोई ब्रीड, उसको दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये ब्रीड है चिकन की और ये ब्लैक चिकन होते हैं जिनकी ये ब्रीड है कड़कनाथ। तो ये मध्य प्रदेश में है, इनको जीआई का टैग दिया गया है। उसके बाद है थीम ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। तो ये था वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, थीम का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। उसके बाद है जैकफ्रूट जो है, जैकफ्रूट केरला का फ्रूट है जिसको ऑफिशियल फ्रूट ऑफ केरला बना दिया गया है। केरला स्टेट का ऑफिशियल फ्रूट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये है जैकफ्रूट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो ये है www.udyamsakhi.org। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2018 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 का जो ईयर है इसे डिक्लेयर किया है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ज्वार हो गया, इस तरह के जो हैं इनके लिए, इन ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको ज्यादा उगाने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ताकि 2018 में इनकी जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डेज हैं। तो इंपोर्टेंट डेज जो होते हैं वो एक नॉर्मली चार्ट होता है जिसमें हम पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मंथली चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको ईयरली भी मिल जाएंगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं जो भी आपने पढ़ना हो इंपोर्टेंट आपको लगे। उसके बाद है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेसलाइन रैंकिंग 2018। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसमें जिसमें ये देखा गया है कि टॉप की यानी कि 101 जो है डिस्ट्रिक्ट ली गई, उसमें से उनको रैंकिंग दी गई कि कौन ज्यादा अच्छी है, कौन जो है कहाँ पर डेवलपमेंट कम है। डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स थे जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह से 5 फैक्टर्स पर बेसिस था ये। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट रही ये थी विजयन ग्राम। विजयन ग्राम जो है आंध्र प्रदेश में, ये सबसे पहले नंबर पर थी। और सेकंड नंबर पर थी राजनंदन गांव, जो सेकंड नंबर पर रहा। और लास्ट की अगर हम बात करें, बिकॉज हमें जो है टॉप और लास्ट जो है यही दो याद रखने होते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट जो होते हैं, तो फर्स्ट टू ये हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं, 5 की आपको लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। लास्ट नंबर पर था मेवाट। मेवात जो है वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो वो सबसे लास्ट नंबर पर आया। तो ये आपने कुछ याद रखने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे बेसलाइन रैंकिंग में। उसके बाद लॉन्च हुआ है G-SET 6A, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, 29 मार्च 2018 को ये लॉन्च हुआ। और जिस व्हीकल से ये लॉन्च हुआ उसका नाम था GSLV F08। इस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। एंड ये जो G-SET 6A जो लॉन्च हुआ है ये है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि इससे कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज की जाएगी। और ISRO इसरो ने इसको बिल्ड किया है, और इससे जो होगा वो कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो थ्रू मल्टी बीम कवरेज दी जाएगी आपको। तो इसके लिए ये बनाया गया है G-SET 6A, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है
105th इंडियन साइंस कांग्रेस 2018, तो 105th इंडियन साइंस कांग्रेस 2018 जो है ये साइंस फेयर जो है ये 16 to 20 मार्च 2018 हुआ, और इसका वेन्यू था कैंचीपुर इम्फॉल, और होस्ट होस्ट किया इसको मणिपुर यूनिवर्सिटी ने, और इसका थीम था रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका थीम रहा, और इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट 106th इंडियन साइंस कांग्रेस जो होगा ये होगा बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें निदहस, नेक्स्ट हमारे पास है निदहस ट्रॉफी 2018, तो ये श्रीलंका में होस्ट की गई, और टीम्स थी इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। विनर रहा इंडिया, फॉर्मेट इसका T20 था, और इसमें जो है आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो ट्रॉफी थी ये श्रीलंका ने इसलिए होस्ट की थी बिकॉज 70 ईयर्स जो थे फ्रीडम के उनके, वो उन्होंने सेलिब्रेट किए। तो श्रीलंका ने अपनी जो ब्रिटिश से फ्रीडम मिली थी उसके 70 ईयर्स जो है वो सेलिब्रेट कर लिए हैं। उसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। तो ये जो 2018 के लिए रिपोर्ट है ये 2 साल को एनालाइज करके बनाई गई है, 2015 से लेकर 2017 को एनालाइज किया गया, फिर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पर रही फिनलैंड कंट्री, और सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर डेनमार्क, फोर्थ पर आइसलैंड एंड फिफ्थ पर स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान इसमें 75th नंबर पर रहा हैप्पीनेस में, चाइना 86, भूटान 97, नेपाल 101, बांग्लादेश 115, जबकि इंडिया जो है अपने नेबर में सबसे लास्ट में 133। इसमें टोटल कंट्रीज जो थी 156 कंट्रीज थी जिनको रिव्यू किया गया, और बुरुंडी जो है बुरुंडी कंट्री सबसे कम हैप्पीनेस है, यानी कि 156th नंबर पर आती है ये, तो ये सबसे कम हैप्पीनेस में आती है। उसके बाद है स्टीफन स्टीफन हॉकिंस जो है, ये इनके बारे में आप आई थिंक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, साइंटिस्ट जो है, इनकी डेथ हो गई 14 मार्च 2018 को, ब्रिटिश के थे ये और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। तो इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2018, तो ये प्रोवाइड किया जाता है, इसको अवार्ड किया लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन ने, और इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रोजर फेडरर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है सेरेना विलियम्स, और बाकी जो है अगर आप इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये दो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। टीम ऑफ द ईयर जो है मर्सिडीज F1 टीम यूके की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है 90th अकेडमी अवार्ड 2018, ऑस्कर अवार्ड आप इसको बोल सकते हैं, ये भी आप काफी इंपोर्टेंट रहेंगे अगर आप एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो सबसे पहले बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर हैज द शेप ऑफ वाटर, बेस्ट डायरेक्टर है गुलेर्मो डेल टोरो, इन्होंने डायरेक्ट किया था द शेप ऑफ वाटर को। बेस्ट एक्टर है गैरी ओल्डमैन, और बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रेकनेस एमसी डोरमेंट। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कोको, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जो है वो है फैंटेस्टिक वुमेन, एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट। मोस्ट नॉमिनेशंस जो मिले थे वो मिले थे द शेप ऑफ वाटर के लिए, द शेप ऑफ वाटर के लिए 13 नॉमिनेशन जो है वो मिले थे। इंडिया की तरफ से जो एंट्री थी वो थी न्यूटन मूवी की, जो नॉमिनेट नहीं हुई। उसके बाद है एब्रिविएशन इन न्यूज, तो एब्रिविएशन इन न्यूज का मीनिंग हो गया कि जो एब्रिविएशन यूज किया गया किसी भी न्यूज में, तो सबसे पहले पोशन यूज किया गया POSHAN, जिसका मीनिंग था PM's ओवर ओवर रिचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट। उसके बाद फाइन की अगर हम बात करें FINE, तो इसका मीनिंग था फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथी की अगर हम बात करें तो साथी है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, तो ये आपके कुछ करंट अफेयर थे। इसके बाद आपको नारी शक्ति पुरस्कार 2017 मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर आपको पढ़ने हैं कि किसे किसे मिले हैं ये। तो फिलहाल ये कुछ करंट अफेयर थे, काफी इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।